हेलो फ्रेंड्स, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो सॉरी, बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, 3 मंथ से ज़्यादा ही हो गए होंगे कि मैंने कोई अभी वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं इंडिया विज़िट पे था और अभी भी इंडिया में ही हूँ। तो एनीवेज गाइस, आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, टाइटल से भी। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ जो आपको, जो अगर आप सिंगापुर में हो और अगर आप इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, थैंक यू। वेलकम बैक टू एस जी दूरबीन गाइस। जो आज का टॉपिक है वो एक टॉपिक ही नहीं, या तो कहिए गुड न्यूज़ है एक, और वो गुड न्यूज़ इंडियंस के लिए है स्पेशली। और एक और बात, इस तरह की दो न्यूज़ हैं, एक तो इंडियंस के लिए और एक फिलीपींस के लिए। सो फिलीपींस वालों के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि उनके लिए क्या गुड न्यूज़ है। बट इसमें हम पहले कवर करेंगे इंडिया के लिए क्या है। सो गाइस, इसमें जैसे कि मैंने थंबनेल में भी उसमें टाइटल में भी बताया कि ये स्पेशली रूल है शेफ्स के लिए, जो इंडियन शेफ़ हैं इंडियन कुजिन में, उनके लिए है। या अगर ना कहें अकेला इंडियन कुजिन के लिए ही नहीं, मींस ये भी कह सकते हैं कि शेफ्स के लिए और इंडियन पासपोर्ट होल्डर, उनके लिए क्या है कि अब पहले मैं ये बता दूं कि क्या है ये, क्या वर्क परमिट मींस क्यों ऐसा। पहले भी तो कुछ लोग कहेंगे तो इंडियन को तो पहले भी तो वर्क परमिट मिलता था। सो गाइस, ऐसा है कि पहले जो वर्क परमिट मिलता था वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्किल वर्कर्स को मिलता था, जो अभी भी मिलता है सिंगापुर में। अगर आपको सिंगापुर वर्क परमिट पर जाना है तो स्किल आपको कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो तभी आपको वर्क परमिट मिल सकता है। अगर आप जाना चाहते हैं मीन सर्विस इंडस्ट्री में, तो आपको नहीं, आपको एस पास या ई पास ही मिलेगा, उसमें वर्क परमिट नहीं है। सो इसलिए अब सिंगापुर नया रूल लेके आ रहा है कि अब सर्विस इंडस्ट्री में भी इंडियन को वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन सिर्फ शेफ्स को, किचन डिपार्टमेंट वालों को। वो क्यों, इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये मैं बता दूँगा कि इसके रूल्स क्या होंगे। रूल्स कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे अगर आप सिंगापुर में हो तो आपको पता ही होगा, जैसे मलेशियन आते हैं वर्क परमिट पर, जैसे मलेशियन सिंगापुर में जॉब करते हैं सिर्फ वर्क परमिट पर, वैसे ही अब इंडियन भी शेफ्स सर्विस इंडस्ट्री में जो कहते हैं, उनको शेफ्स को वर्क परमिट मिलेगा और सेम रूल होगा सब कुछ, तो इजीली उनको जॉब मिलेगी। उसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए शेफ का, दैट्स इट। और अब आपको करना क्या है, अगर अब आप कहेंगे कि मैं तो भाई शेफ हूँ नहीं तो मेरे लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो गाइज, अगर आप स्टूडेंट हो, यंग हो अभी, और या फिर अगर आप सिंगापुर में हो या इंडिया में, कहीं पे भी हो, आपका विश है, आपका ड्रीम है कि आपको सिंगापुर में जॉब करना है, तो आपके लिए अभी भी टाइम है। आप ऐसा कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट या होटल में जॉब कर लीजिए, एक्सपीरियंस ले लीजिए किचन में, और इंडियन कुजिन सीख लीजिए, कुकिंग के बारे में कुकिंग सीख लीजिए। और या तो फिर अगर आप डिप्लोमा या कुकरी कोर्स कर सकते हो तो वो कर लीजिए, जिससे आपको इजीली एक बहुत अच्छा चांस हो जाएगा। आप अपने सीवी में डाल सकते हो कि हाँ आप शेफ हो। और तो और हाँ, ड्यूरिंग मीन्स जब आप मीन्स
जब आप वर्क कर रहे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो किचन में, तो आप जितने टाइम भी हो, हमेशा जब भी आपको टाइम मिलेगा, आप एक वीडियो बना लिया करना। कुछ भी मीन्स, अगर आप कुकिंग कर रहे हो किसी तरह की, उसकी वीडियो बना लेना, बना रखना। ज़्यादा लंबी नहीं, सिर्फ जैसे कि 60 सेकेंड्स की हो गई, या तो 1 या 2 मिनट की, 5 मिनट की भी चलेगी, कुकिंग की, कटिंग करते हुए की। क्योंकि ये आपसे मांगे जाएंगे जब आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो MOM तो नहीं, मीन्स गवर्नमेंट तो नहीं मांगेगी, लेकिन एम्प्लॉयर ज़रूर मांगेगा वो कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्योंकि वो एक रिस्क लेने जा रहा है बिना, क्योंकि कुकिंग ऐसे, शेफ़ का काम तो ऐसा है नहीं कि आपने मुंह से बोला कि हाँ मुझे आता है तो आता है। कई बार क्या होता है, क्योंकि मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद शेफ़ हूँ, और कई बार क्या होता है जब हम फ़ोन पे इंटरव्यू लेते हैं, या उसका CV आता है, या कुछ भी बाय फेस भी अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो कहता है कि, या कहती है कि हाँ मैं शेफ़ हूँ। लेकिन असली तब पता लगता है जब वो शेफ़ किचन में जाता है, किचन में कैसा काम कर रहा है, तब पता लगता है कि हाँ वो रियल में शेफ़ है कि नहीं। और दूसरा कि सिंगापुर या मीन्स किसी भी फॉरेन कंट्री के किचन और इंडियन किचन में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो ये चीज़ें थोड़ा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छा एक्सपीरियंस लेके वहाँ जाएँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। और किचन के रिगार्डिंग या कुकिंग के रिगार्डिंग, अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे वो भी मुझसे पूछ लेना। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। कई बार है कि डिले हो जाता है, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और अगर आपको चाहिए कि वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे, और मुझे कमेंट डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा इस टॉपिक पर। और इसके बाद रहा, अगर आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हो सिंगापुर में, और आपको रूल का नहीं पता, ऑफ कोर्स अगर आप बिज़नेस कर रहे हो सिंगापुर में, रेस्टोरेंट चला रहे हो, आप अप टू डेट तो होगे, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स वाले हैं, मेरे भी नोन में हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं, जिनको ये रूल का सच में नहीं पता, वो भी मुझसे पूछते हैं। मीन्स कई बार होता है कि बिजी शेड्यूल में उनको नहीं पता होता, इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पता, ऑफ कोर्स पता, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता उनको अपडेट। सो उनके लिए भी ये है कि इसमें आपको सिर्फ क्या है कि अगर आप चाइनीज़ किचन रन कर रहे हो, तो सॉरी गाइस, बैक साइड में म्यूज़िक चल रहा है, तो उसके लिए सॉरी। सो गाइस, उसमें क्या है कि आपको अगर एक वर्क परमिट पे शेफ़ हायर करना है, आपके मेन्यू में इंडियन कुजिन ज़रूर होना चाहिए, या तो आपका इंडियन रेस्टोरेंट होना चाहिए। अगर आपका चाइनीज़ रेस्टोरेंट है या अरबिक रेस्टोरेंट है, कोई भी अलग अलग कुजिन का है, अलग कंट्री का फूड है, उसमें आप अपने मेन्यू में 5-10 आइटम्स इंडियन कुजिन डालिए, इंडियन फूड डाल लीजिए उसमें, तो आप उस बिहाव पर भी आप हायर कर सकते हैं वर्क परमिट पर इंडियन। और ये रूल, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये रूल क्यों निकाला, ये रूल क्यों आ रहा है ऐसा कि सिर्फ शेफ्स के लिए। गाइस, इसका क्या रीज़न है कि सिंगापुर में, अगर मान लो मैं इंडियन रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, अगर मैं इंडियन रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और मुझे इंडियन शेफ़ चाहिए, या इंडियन कुजिन का कोई भी शेफ़ चाहिए, सो बहुत रेयर होता है कि किसी और कंट्री का बंदा या शेफ़ इंडियन फूड बनाए, क्योंकि इंडियन जो कुजिन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत तरह की ग्रेवीज होती हैं, बहुत तरह के मसाले होते हैं, वो दिक्कत हो जाती है दूसरी कंट्री में। अगर एक चाइनीज़ को कहें कि भाई तू अगर चाइनीज़ कहे कि हाँ मुझे इंडियन शेफ़ बनना है, तो उसको बहुत सी दिक्कत आएंगी, और बहुत रेयर है, मीन्स बहुत रेयर, आई थिंक जल्दी मिलता ही नहीं है कोई भी, किसी भी कंट्री का, सिर्फ इंडियन इंडियन ही एक इंडियन कुजिन बना सकता है। लेकिन अगर
इंडियन को कहें कि वेस्टर्न कुजिन बना ले, वो हर तरह की कुजिन बना लेगा। इंडियन हर तरह की कुजिन बना लेगा, लेकिन जो दूसरे हैं दूसरी कंट्री के, वो इंडियन कुजिन उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेट। मैं खुद डरता हूँ इंडियन किचन में काम करते हुए, सच कहूँ तो। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा। क्या होता है, बटर चिकन, चिली चिकन, यही सब होगा, और क्या होगा, पनीर की आइटम्स होंगी। हम लोगों के लिए इजी है, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ। होता क्या है कि उनको अगर एक इंडियन शेफ़ नहीं मिल रहा है, तो उनको एक इंडियन, इंडिया से एक इंडियन शेफ़ हायर करना होता था। तो उसमें दिक्कत आती थी कि उनको कोटा बनाना पड़ता था। अगर एक छोटा रेस्टोरेंट भी खोला है किसी ने, छोटा सा कियोस्क भी खोला है इंडियन कुजिन का, तो उनको एक इंडियन शेफ़ हायर करना। और सिंगापुर में ज़्यादातर साउथ इंडियन है, तो अगर एक साउथ इंडियन को बोले हम नॉर्थ इंडियन फूड बनाने को, तो उसके उसके नॉर्थ इंडियन फूड में भी साउथ इंडियन वाला टच आएगा। मिस वो प्योर फूड नॉर्थ इंडियन नहीं बना पाएगा। ये दिक्कत आती है। और अगर एक चाइनीज़ को बना बोले कि अब इंडियन कुजिन बना, तो उसके इंडियन कुजिन में चाइनीज़ टच आता है, जो कि सच है। और अगर एक इंडियन को बोलें, इंडियन नॉर्थ इंडियन को बोलें कि भाई तू चाइनीज़ बना या अरबिक बना या कोई भी कुजिन, उसके फूड में भी कहीं ना कहीं, अगर न्यू है, कहीं ना कहीं उसके कुजिन में भी इंडियन नॉर्थ इंडियन टच आएगा ही आएगा। एक ये फैक्ट है। ये चीज़ है, क्योंकि उनको फिर एम्प्लॉयर को, जैसे मैंने बोला अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो मुझे अगर इंडियन शेफ़ हायर करना है तो मुझे कोटा बनाना पड़ेगा। कोटा मतलब, अगर आपको नहीं पता कोटा क्या होता है, रिजर्वेशंस टाइप का। अगर मुझे एक इंडियन शेफ़ हायर करना है, तो इंडियन शेफ़ हायर करने से पहले मुझे कम से कम, मीन्स जो भी अभी का रूल है, 9 या 10 लोकल स्टाफ रखने पड़ेंगे, लोकल शेफ़ किचन में रखने पड़ेंगे, या पूरे रेस्टोरेंट में 10 लोग रखने पड़ेंगे, फिर मैं 11वां इंडियन रख सकता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मे बी 11 होते हैं, कि ऐसा रूल चेंज हुआ है, लेकिन 10 या 11 की रेशियो है कि इतने रखने पड़ेंगे, फिर एक इंडियन हम एस पास पे रख सकते हैं, या तो ई पास। ई पास भी बहुत डिफ़िकल्ट है। ई पास के लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी अप्रूव होगा, और उसमें सैलरी बहुत हाई होती है, तो उसका भी मीन्स ना के बराबर है अप्रूव होता है ईपी। इसलिए ये दिक्कत आती थी। और अगर वर्क परमिट पे रखना है तो इजीली उनको सस्ते में ही एक वर्क परमिट पे स्टाफ मिल जाएगा, अच्छा खासा। मीन्स ये इजी कर दिया है, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ के रेस्टोरेंट्स वाले भी कंप्लेन करते थे कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट ने भी ऑब्ज़र्व किया कि हाँ इस दिक्कत को सॉल्व करना है, तो उन्होंने ये सॉल्व किया है। ओवरऑल आपको कंसेप्ट पता लग गया होगा कि क्यों, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मैं जिसको भी ये चीज़ बता रहा था, सब गुस्सा कर रहे थे कि यार ऐसा कैसा रूल है, स्टूपिड रूल, ये वो, मीन्स ये कैसा रूल हुआ कि सिर्फ शेफ़ को ही मिलेगा वर्क परमिट। तो इस वजह से, अगर मान लो अगर वो सभी इंडस्ट्रीज़ वालों को बोल दें कि हाँ इंडियन वर्क परमिट रख सकते हो, तो भाई सारा इंडियन भर जाएगा। तो ये चीज़ है, वो इन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और रही बात अपना एस पास या ईपी की, अगर आप बोले सैलरी ज़्यादा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे आके आपको पता लगेगा कि सैलरी का क्या इशू है, कोई हाई लो नहीं है। जितना रेस्टोरेंट वालों, उनको पता है कि एक इंडियन इस लेवल, इतने मीन्स इसका इतना एक्सपीरियंस है, तो इस लेवल तक की इसकी सैलरी होनी चाहिए, वो देंगे। और जो रेशियो चल रही है वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या रेशियो चल रही है। अगर नहीं भी पता है तो वो जब आपको ऑफ़र वगैरह आएगी आपको पता लग जाएगा। लेकिन गाइस, हाँ ये मैं बोलूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार
मुझे तो कंपनी ने ऑफर लेटर भेजा, इसमें 3,500-4,000 सैलरी रखी है, लेकिन कंपनी मुझे ये 2,000 दे रही है, 1,500 दे रही है, 1,600 दे रही है। गाइज इस चीज़ में आप कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपको इस चीज़ की कंप्लेन करनी है तो गाइज अपने घर पर ही बैठिए, क्योंकि सिंगापुर में ये रूल है। शो कुछ करते हैं, देते कुछ हैं, आपको देखिए, आप ये देखिए कि आप इंडिया में क्या कमा रहे हैं और वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दैट्स इट, ये सोचिए। और अगर आपको जाना है, एक बार एंटर कीजिए बस, ये मत सोचिए कंपनी मुझे इतना कम क्यों दे रही है, ये ऐसे ये लॉ क्यों नहीं फॉलो कर रहे। गाइस आप इंडिया में कितना को लॉ फॉलो करते हो आप ये बताइए। ये चीज़ मत देखिए। और उनको भी पता है कि आज के टाइम में $1.60 का है, तो इस हिसाब से। और ये चीज़ें भी हम इंडियन ने की है, हम इंडियन ने उन लोगों को ये चीज़ें सिखाई हैं, किसी ने शुरुआत की है तो ऐसा हुआ है। बाकी कोई बात नहीं गाइस, और भी कोई क्वेरीज होगी तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, आप और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उसमें आप जाके व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे और कुछ भी पूछ सकते हैं। या फिर अगर मैं वहाँ पे जवाब नहीं दे, मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो मैं जवाब देता हूँ। और आप कमेंट भी डाल सकते हैं कमेंट में भी कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगा। अगर आज आप कमेंट डालते हो तो कल मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा वो, तो क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मैं वीडियो आप बैक टू बैक डालूंगा। टॉपिक्स बहुत से पड़े हैं मेरे पास पिछले 3 महीने से, और मैं देख भी रहा था यूट्यूब पर, हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं यूट्यूबर सिंगापुर के, लेकिन सॉरी उन लोगों को भी। गाइज अगर वीडियो बनानी है तो थोड़ा सा अप टू डेट न्यूज़ दीजिए, जिससे लोगों को हेल्प। मुझे लगा कि शायद चलो मेरे दोस्त वो भी बना ही रहे हैं तो अपडेट तो करेंगे ऐसी न्यूज़, लेकिन नहीं, मुझे दिखा कि नहीं ऐसा कोई नहीं। चलो गाइज एनीवेज सभी का अपना अपना व्यू है। थैंक यू वेरी मच गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।